4 जून को जिस दिन इलेक्शन रिजल्ट्स आए दोस्तों, इसी दिन प्री मेडिकल नीट एग्जाम के भी रिजल्ट्स आए और इन रिजल्ट्स को लेकर देश भर में लाखों स्टूडेंट्स हल्ला मचा रहे हैं क्योंकि बहुत से अजीब इत्तेफाक इनमें देखे गए हैं। पहला, इस बार 67 स्टूडेंट्स को ऑल इंडिया रैंक 1 मिली है, यानी उन्होंने फुल मार्क्स स्कोर किए हैं। ये बहुत ही अजीब इत्तेफाक है क्योंकि पिछले साल नीट 2023 में सिर्फ 2 टॉपर्स थे जिन्हें ऑल इंडिया रैंक 1 मिली थी, नीट 2022 में सिर्फ 4 टॉपर्स थे और इस बार 67 टॉपर्स, और इन 67 में से 6 लोग सिर्फ 1 सेंटर के थे। क्या ऐसा सही में पॉसिबल हो सकता है? दूसरा, इन 67 रैंक 1 स्टूडेंट्स के बाद जो अगले 2 स्टूडेंट्स आते हैं रैंक में, उनको मिले हैं 719 और 718 मार्क्स, और ये भी एक ऐसी चीज है जो टेक्निकली पॉसिबल नहीं है क्योंकि नीट के एग्जाम में हर सही आंसर के लिए आपको मिलते हैं +4 मार्क्स और हर गलत आंसर के लिए आपको मिलते हैं -1 मार्क्स। तो अगर किसी स्टूडेंट ने सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है और एक क्वेश्चन का आंसर गलत आ जाता है तो उसका स्कोर आएगा 715, लेकिन अगर वो एक क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करता तो मैक्सिमम 716 मार्क्स आ सकते हैं। ये कैसे हो गया? देश की नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA का कहना है कि ये इसलिए हुआ क्योंकि हमने उन स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स दी, उन्हें सफिशिएंट टाइम नहीं मिल पाया अपना एग्जाम पूरा करने का। लेकिन सवाल ये कि एग्जैक्टली कितने ग्रेस मार्क्स दोगे, कितने लॉस ऑफ टाइम के लिए, ट्रांसपेरेंटली नहीं बताया। और तीसरा, रिजल्ट्स की डेट को 10 दिन पहले शिफ्ट कर दिया गया। ये नीट एग्जाम का रिजल्ट एक्चुअली में 14 जून को आना था लेकिन इन्होंने 4 जून को ही रिजल्ट निकाल दिया। स्टूडेंट्स कहते हैं इसलिए किया गया ताकि उनकी आवाज को दबाया जा सके। इलेक्शन रिजल्ट्स को लेकर जब हल्ला मच रहा होगा देश भर में तो इनकी आवाज कोई सुने ही ना। क्या यहां पर एक स्कैम को छुपाया जा रहा है?